थोड़ा सा झटका आया कि मतलब पहिया ट्रेन का नीचे उतर गया, हल्का आवाज आया, गड़गड़ाया, बस पलटी मार दी। गुड्स गाड़ी खड़ा था, उसको पीछे से धक्का दिया, फिर जाके जब पूरा अफरा तफरी मच गया तब पूरा धुआं ही धुआं, पूरा काला हो गया, पूरा एरिया पूरा काला हो गया। तो जब पलटी करा तो ये चपा गया, मैं निकल गया उसमें से, मैंने सोचा कि ये भी निकल गया, बट ऐसा नहीं। फिर घुसने के बाद मालूम चला कि ये चपा हुआ, तो इसको मैंने निकाला, एक छोटे बच्चे को भी निकाला उसमें से। कल शाम को 6:30 बजे जब ये हादसा हुआ, तब एक गाड़ी अप से आ रहा था, दूसरा गाड़ी डाउन से आ रहा था, और एक नंबर पे एक मालवाही गाड़ी खड़ा रहा था। तो पहले क्या हुआ, करमंडल एक्सप्रेस जाके पीछे से जाके धक्का दिया, स्लिप होके वो जो गुड्स गाड़ी खड़ा था उसको पीछे से धक्का दिया, फिर जाके जब पूरा अफरा तफरी मच गया तब पूरा धुआं ही धुआं, पूरा काला हो गया, पूरा एरिया पूरा काला हो गया। तो उसके बीच में उधर से डाउन गाड़ी आ रहा था, शालीमार गाड़ी आ रहा था, उसके पीछे से इसके जो डब्बा इधर उधर हो गया तो उसके पीछे से लग गया, वो लग के वो भी 2 बजे नीचे से चला गया। तो यही हुआ, उसके अंदर पूरा काला काला था, हम पहले तो समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या हुआ, इतना आवाज आया ये, फिर जाके देखे तो फिर हम लोग दौड़ के गए क्योंकि पास में नजदीक है, तो दौड़ के गए तो पूरा लोग सब इधर उधर अफरा तफरी है। और उसके बाद हम लोग सब मिलके, इनके लोकल लोग सब मिलके एक एक चीज मतलब एक एक आदमी को निकाले, जो जो डेड बॉडी अंदर मतलब तुरंत ही ये हो गया था उनको बाहर निकाले, ये करीब करीब रात भर ये काम चलता रहा। लेकिन ज्यादातर हमको ये परेशानी हुई क्योंकि इतने लोग आके इमीडिएट ये हो गए, तो उस हिसाब से हमको परेशानी हो गया कैसे निकालेंगे। फिर जैसे ही पुलिस प्रशासन आए फिर हम लोग को थोड़ा मतलब आराम से हम लोग एक 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 दिए। जब मैं पेंट में उतर था इस समय गया आवाज आया, हम निकल आए घर पर, देखा तो एक्सीडेंट हो गया, कॉर्मल गाड़ी इसके वो जो मालगाड़ी किया हुआ था गुडन गाड़ी इसके ऊपर चढ़ गया, बहुत आदमी जख्म हो गई थी, मर गई थी, इसको हम पकड़ के निकल रहा, और एक छोटा बच्चा था जिसका माँ बाप मर गई, वो रो रो के भी मर गया। थोड़ा बहुत आदमी बोला थोड़ा पानी दीजिए पानी दीजिए, हम जितना चाहिए पानी थोड़ा थोड़ा दीजिए, बहुत आदमी हमारे गांव का आदमी बहुत निकला था, लेडीज जेंट्स सब कुछ निकल रहे थे गाड़ी में बॉगी में, बहुत जख्म हो गया। और कुछ लोगों को लेकर हम वाहन का वो जो बस स्टॉपेज है इसको छोड़ दे आया, वो हम पाँव में पड़ के हो तुम भगवान है हमको बचा लिया, ये कर ऐसा हो रहा था। कल का जो दृश्य था सीन ऐसा देख के हमारा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, हम पूरा ब्लर हो गया था। थोड़ा सा झटका आया कि मतलब पहिया ट्रेन का नीचे उतर गया, हल्का आवाज आया, गड़गड़ाया, बस पलटी मार दी। वहाँ से निकले आधा घंटा के बाद, आधा पौने घंटा के बाद पलटने के बाद में निकले, धीरे धीरे बाहर में देखते हैं सब क्रिया हुआ था, सामान मन कहीं कुछ नहीं मिला, पूरा खत्म। बाहर में बैठे जो सब रोगी सीरियस था, ज्यादा करके जो बेहोश था वो सबको लाया, फिर हमको बाद में बोला जो सही है थोड़ा रुक के जाओ। मैं मतलब ये सीट के पास बैठा हुआ था बगल में, उसके गेट 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 के पास हम खड़े थे, तो जब पलटी करा तो ये चपा गया, मैं निकल गया उसमें से, मैंने सोचा कि ये भी निकल गया, बट ऐसा नहीं। फिर घुसने के बाद मालूम चला कि ये चपा हुआ, तो इसको मैंने निकाला, एक छोटे बच्चे को भी निकाला उसमें से। हम हॉस्पिटल करीब 1.5 घंटा बाद, मैंने पुलिस को भी पहला यूनिफॉर्म पुलिस को मैंने किया, फिर हॉस्पिटल मैंने किया, मतलब पुलिस को कन्फर्म कॉल करने के बाद 1.5 घंटा बाद आई एम्बुलेंस। ये तो ठीक ही था, मतलब हॉस्पिटल ना, हॉस्पिटल के बाद ठीक है हाथ पैर झार रहे थे, बट 9 बजे के बाद सुबह जब हम देखे तो भी सांस ले रहे थे, मैं बोल नहीं रहा था, कोमा में थे। तो जैसे जैसे बोले डॉक्टर कि आप बाहर बैठिए, होश आएगा तो मैं आपको बुला लूंगा, तो होश नहीं आया। फिर डॉक्टर बोला, हम सोचे होश आ गए तो बोला डेथ हो गए।